सो फाइनली गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। मैं करण सरोज, आप देख रहे हो मजेदार टेक यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ, जिस ट्रिक को यूज करने के बाद को जो पर डे 1 GB डाटा मिलता है ना, आप उसे कंटिन्यू पूरे दिन यूज कर सकते हो। जैसे कि आप कोई भी यहाँ पे डाटा पैक ऐड करते हो अपने फोन में, कोई भी प्लान ऐड करोगे तो आपको 1 GB या 1.5 GB डाटा मिलता है। जब आप उसे यूज करते हो तो बहुत ही जल्दी क्या होता है, हमारा इंटरनेट डाटा जो होता है वो खत्म हो जाता है और हम सोचने लगते हैं कि हम इतना यूज भी नहीं किए और हमारा डाटा कहां पे यूज हो रहा है, हमें खुद भी नहीं पता चलता है। जब हम कोई गेम वगैरह खेलने लगते हैं या मूवी वगैरह देखते हैं तो यहां पे क्या होता है, पूरा एक मैसेज आएगा कि आपका 50% डाटा जो है वो यूज हो चुका है और हमने यूज ही नहीं किया होता है। तो उससे क्या होता है, आप बच सकते हो। अगर आप इस सेटिंग को को यूज करते हो तो आप बच सकते हो, अपने डाटा को कंटिन्यू यूज कर सकते हो। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, वीडियो को करना है लाइक और एंड तक कंटिन्यू देखते रहना है। वीडियो को लाइक कर दिया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दो, ताकि जब नए वीडियो आए तो आप लोग नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सको। तो अगर आप भी अपने इंटरनेट डाटा को सेव करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है, छोटी सी एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लोगे अपने फोन में, डाउनलोड करने के बाद ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे कि यहां पे मैं एप्लीकेशन क्या करता हूं दिखा देता हूं आपका कौन सा एप्लीकेशन है। तो जैसे एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कट कर देना है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे से आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ से क्या करना है, सिंपली ऑफ है, यहाँ से क्या करना है, ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन करोगे तो यहाँ पे परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पे परमिशन वगैरह यहाँ पे दे देना है। सेटिंग में जाके यहाँ पे ऑप्टोमाइज वाले सेटिंग में जाना है और यहाँ से क्या करना है, इस एप्लीकेशन को ढूंढ लेना है और यहाँ से हमें उस एप्लीकेशन को यहाँ से क्या करना है, परमिशन दे देना है। परमिशन देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आया, जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो जितना भी आपके फोन के अंदर यहाँ पे एप्लीकेशन, वो सारी की सारी एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी, जितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। जैसे कि आप यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को यूज कर रहे हो तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्रोम ब्राउजर या कोई भी आप एप्लीकेशन ले लो। जैसे कि यहाँ पे नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आप प्ले स्टोर देख लो या इंस्टाग्राम ले लो। इंस्टाग्राम को यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे नोट नो पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम को ओपन करता हूँ। आप यहाँ पे देखो तो वाईफाई भी यहाँ पे क्या है, कनेक्ट है, बट यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम को अगर ओपन करूंगा तो क्या यहाँ पे इंस्टाग्राम चलेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टाग्राम यहाँ पे नहीं चल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो इंस्टाग्राम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे मैं होम पे जाता हूँ, कुछ भी नहीं करूंगा, सिंपली होम पे जा रहा हूँ और यहाँ पे यूट्यूब चालू कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हो यूट्यूब चल रहा है, बट यहाँ पे इंस्टाग्राम क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे फिर से बैक जाता हूँ और इंस्टाग्राम को ओपन करता हूँ, इंस्टाग्राम यहाँ पे नहीं चल रहा है। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, फिर से उस एप्लीकेशन में जाऊंगा, उस एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से फिर से इसे ऑन कर दूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या किया, यहां से इसे इंस्टाग्राम को फिर से क्या किया, ऑन कर दिया। तो यहां पे क्या करूंगा, होम पे जाऊंगा, अब इंस्टाग्राम को ओपन करके देखते हैं चल रहा है क्या। तो यहां पे आप देख सकते हो इंस्टाग्राम को ओपन किया, अब पहले जैसे बिल्कुल यहां पे जैसे चल रहा था वैसे ही क्या होगा, यहां पे चलने लगा, देख सकते हो आप। तो यहां से आप इसकी मदद से क्या कर सकते हो, तो यहां पे आप समझ लो कि जैसे कि यहां पे जितने भी एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर रहे हो उसका डाटा यहां से क्या कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। यानी कि इंस्टाग्राम को अगर यूज नहीं कर रहे हो तो इंस्टाग्राम का डाटा यहां से क्या करना है, ऑफ कर देना है। यानी कि इंस्टाग्राम का जो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है वो आपके डाटा को यूज नहीं कर पाएगा, जब तक आप इसे यहां से ऑन नहीं करोगे तो क्या होगा, यूज नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से जिस-जिस एप्लीकेशन को आप यूज नहीं कर रहे हो यहां से उसका डाटा क्या कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। यानी कि कोई भी एप्लीकेशन, जितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो आपके डाटा को यूज नहीं कर पाएगी जब तक आप उसे यूज नहीं करोगे। अगर आप पबजी खेल रहे हो तो सिर्फ पबजी का ऑन रखो, बाकी सारी एप्लीकेशन को ऑफ रख सकते हो, आपका पबजी एकदम स्मूथ चलेगा। तो यही ट्रिक आप लोगों को बताने वाला था, इसकी मदद से आप अपने डाटा को यूज बचा के रख सकते हो और कंटिन्यू डेली पूरे दिन यूज कर सकते हो। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है, लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।